हेलो बच्चों, मैं आरके सर, आरके ट्यूटोरियल सिमडेगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो में मैंने आपको द्विघात समीकरण पढ़ाया, लेकिन द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का मात्र दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पहला और दूसरा। तो चलिए आज द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का तीसरा नंबर प्रश्न हल करने के जा रहे हैं। ये तीसरा नंबर में क्या बोलता है क्वेश्चन कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रश्नावली में किस समीकरण किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्या प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ पर जो प्रश्न दिया है वह द्विघात समीकरण में है या नहीं। तो देख रहे हैं यह द्विघात समीकरण में नहीं है, इसलिए सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण में लाने का प्रयास करेंगे। कैसे लाएंगे कि सबसे पहले तो एक बार प्रश्न को लिखते हैं हम लोग, एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू थ्री, यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई काम नहीं है, बस आपको मूल निकालना है। ऐसा रहेगा तो आप घबराइए नहीं, आराम से आप हल करने का कोशिश कीजिए। अब जैसे भिन्न का घटाव पढ़े हैं तो x मतलब x बाय 1 है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर x और 1, यहाँ नीचे 1 है, x और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा x। फिर क्या करते हैं कि इसको तिरछा गुणा कर देते हैं, x और x क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन डालेंगे, एक एक का क्या हो गया 1 बराबर 3। अब क्या करें, यहाँ पे 3 मतलब 3 बटे 1 है, तो इसका चक्रीय गुणन कीजिए आप, यहाँ चक्रीय गुणन ऐसा, तो 1 से इसको पूरा कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 और x को कीजिएगा तो क्या होगा 3x। आप देखिए ये प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन सजा के, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण बनाना है, क्या द्विघात समीकरण, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस है, इधर आगे क्या होगा माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। आप देख रहे हैं जो हमारा समीकरण है ax2 plus bx plus c equal to 0 के फॉर्म में है, तो हम समझ लीजिए ये किस फॉर्म में है, द्विघात समीकरण में है। यदि द्विघात समीकरण में आ गया तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग का जो क्या है प्रोसेस है उसके अनुसार हम लोग आएंगे। पिछला जो दो क्वेश्चन के उसमें मैंने बताया कि सबसे पहले इसको क्या करना है, जांच करना है। कैसे जांच करेंगे, कैसे जांच करेंगे, आपको बताए हैं कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको पता है कि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यहाँ a क्या है a, यहाँ b, a क्या हो गया c, a b क्या हो गया c, तो यहाँ पर a b c आपको मिल गया, तो d बराबर आपको क्या हो गया b, यहाँ पर क्या वैल्यू है b का माइनस 3, तो यहाँ पर माइनस 3 लिख देंगे, होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू a का वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 इनटू, यहाँ पर c का वैल्यू क्या है माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। तो आप हल करते हैं d इक्वल टू 3 * 9 माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 * 9 माइनस, आपके पास क्या मिल रहा है माइनस 1 प्लस होगा, इस पर निर्भर करेगा माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या हो गया 4 * 4 = 4 तो आपको फाइनली क्या मिल रहा है 9 * 4 क्या हो गया 13, 9 * 4 को 8 की जगह क्या मिल गया आपको 13, ये d का वैल्यू कितना है 13 है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर a d क्या है, d is greater than 0, तो ये d is greater than 0, तो इसको ऐसा लिखिए ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ d is greater than 0, ये d greater than 0 है, मतलब समझ लीजिए ये क्या है, यह समीकरण अस्तित्व में है, इसलिए यह समीकरण अस्तित्व में है, यह समीकरण अस्तित्व में है। जब समीकरण अस्तित्व में है तो तभी हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, अर्थात मूल ज्ञात करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब क्या कीजिएगा कि मूल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, द्विघाती सूत्र जिसको बोलते हैं, x बराबर माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका डी, डी बाय क्या हो गया 2a। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग ना, ऊपर से ध्यान दें कि माइनस है फॉर्मूला का, माइनस डाल दिए, अभी का वैल्यू पूछते हैं, अभी का वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस 3, तो माइनस क्या डाल दिया 3, प्लस माइनस हो गया अंडर, यहाँ डी है तो डी का वैल्यू हमारे पास क्या है 13, तो हम लोग क्या डाल दिए 13, अब नीचे क्या है 2, तो 2 डाल दिए 2
इनटू a का वैल्यू क्या है ना, देखिए 2 का वैल्यू क्या है 1, यहां 1, चलिए हल करते हैं, x इक्वल टू प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां पर प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13, क्यों क्योंकि 13 का वर्गमूल नहीं निकलता है, निकलेगा पॉइंट में बट नहीं निकालना है। अब 2 का 2 आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर ना x का 2 वैल्यू निकलेगा प्लस और माइनस में, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, देखिए भी नहीं कुछ होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब इसी को आंसर में छोड़ दीजिएगा, इसलिए x बराबर इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए मूल बराबर क्या हो जाएगा, मूल बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13 बाय 2 और एक 2 बनेगा 3 माइनस अंडर रूट 13 बाय क्या 2, तो ये इसका क्या हो गया कि जो ये समीकरण का मूल है तो यहीं पर हम लोग क्या लिख देंगे आंसर, तो ये हमारा क्या है सॉल्यूशन है, तो इसके इसी के आधार पर हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करूं कि ये प्रश्न समझ में आया होगा और पिछला जो दो क्वेश्चन थे उसमें मैं बता चुका हूं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं तीसरा का दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये 3 नंबर में ना 2 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया, अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है 1/x^4 - 1/x-7 = 11/30 जहां क्या है x नॉट इक्वल टू -4 एंड 7, तो इस पर घबराना है, बस दिमाग में रखिए कि x का मान ना -4 और 7 नहीं होना है। तो आपको क्या करना है कि मैं पिछला प्रश्न में ही बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको द्विघात समीकरण में लाइए, द्विघात समीकरण में लाने का सबसे पहला काम क्या है, इसका एलसीएम लेके हल कर देंगे। तो आपको पता है x plus 4 और x minus 7 आपको हल कीजिएगा तो क्या होगा x plus 4 into x minus 7, क्योंकि हल करने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं होगा तो क्या कर देंगे लसाअ नहीं होगा तो गुणा कर देते हैं। अब यहां से हम गुणा करेंगे ना यहां से यहां, तो 1 से कीजिएगा तो क्या होगा x minus 7 हो गया, x minus 1 से क्योंकि प्लस है इसलिए जो है उसको छाप दीजिए। अब यहां माइनस है इसलिए ध्यान दीजिएगा क्योंकि 1 का इधर क्या हो गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस x एंड x क्या हो जाएगा आपके पास x एका x, फिर देखिए ये प्लस माइनस यहां क्या हो गया माइनस, तो क्या हो गया आपका 4 एका 4 इक्वल टू 11/30। अब अगला क्या करेंगे, ये प्लस में है माइनस में, ये प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, उसके बाद ध्यान रखिए इसको इनटू कर देंगे तो कैसे माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा माइनस 11/30 आपका। नीचे देखिए मैं बताया हूं ना पिछला क्लासेस में कि जब इसको हल करते हैं तो इनटू करते हैं, तो x को इसके साथ शुरुआत, फिर मैं बोला बताया था ना इसको इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, तो इसी प्रकार नेक्स्ट में भी हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिए क्या होगा आपका कि x एंड x क्या हो जाएगा x2, फिर यहां प्लस माइनस माइनस ये वाला प्लस माइनस माइनस x एंड 7 क्या हो गया 7x, इससे दोनों को कर लिए जैसा मैं एरो साइन दिया हूं, फिर प्लस 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 यहां देखिए 4 और x 4x, फिर आपके पास क्या बच रहा है प्लस माइनस माइनस, तो 4 7 क्या हो गया आपके पास 28 मिल गया बराबर 11/30। अब ध्यान दीजिए दोनों का अंश, या तो आप ना इसको थोड़ा बीच में लिख दीजिएगा -11 ताकि अच्छा लगे, यहां 11 है तो 11 को 11 का 11 कट गया, बस यहां माइनस साइन है। अब फिर क्या कीजिए इसको हल कीजिए, ऊपर क्या मिल रहा है आपके पास क्या मिल रहा है कि -1/ क्या मिल गया यहां पर x2, फिर ये दोनों क्या दोनों का एक प्रजाति का दिख रहा है xx वाला, तो क्या कीजिएगा यहां पर माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 4 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 3, लेकिन बड़ा संख्या माइनस क्या हो गया माइनस, तो क्या हो गया 3x, फिर -28 = यहां पर क्या मिला 1/30। अब सेम काम तिरछा गुना कर देंगे इसको, इसको 1 से कीजिएगा तो क्या होगा x2 -3x -28 = यहां पर क्या होगा -30। अब इसको हल कर दीजिए, इधर ले आइएगा x2 -3x -28, ये माइनस इधर आएगा क्या होगा प्लस, क्या हो गया आपका 30, क्या हो गया 30 = 0। अब हल कीजिए इसको आगे, तो x2 -3x ये प्लस माइनस माइनस, इसमें से 28 घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा +2 = क्या हो गया आपके पास 0। अब इसको ना हम लोग जांच करेंगे कि यह क्या है
ये अब ये द्विघात समीकरण में आ गया। तो अब हमको जांच करना है कि यह क्या है, जांच में कि यह क्या जांच करेंगे कि यह द्विघात समीकरण का अस्तित्व में है या नहीं है। तो जांच के लिए है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। d बराबर आप b खोजिए, यहां पर क्या मिला a, यहां b, यहां क्या है c, मिल गया आपको। तो क्या कीजिए, b का वैल्यू यहां पहले क्या लिखा है -3, तो -3 डाल दिए स्क्वायर, फिर -4 a का वैल्यू क्या आपको मिलेगा यहां, तो क्या हो गया 1, फिर c का वैल्यू क्या है 2, तो क्या करें यहां पर 2, तो 2, लेकिन यहां पर माइनस के प्लस प्लस, तो यहां क्या लिख दिए 2। अब हल कीजिए b इक्वल टू ये माइनस 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 प्लस 3 किया क्या हो गया 9, फिर माइनस का माइनस 4 × 8, 4 × 4 = 8, तो d बराबर क्या है 1। तो यहां पर यहां क्या दिख रहा है आपको, यहां d इज ग्रेटर देन 0, d का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा क्योंकि 1 है ना, इसलिए यह समीकरण इसमें है, यह समीकरण अस्तित्व में है, यह समीकरण अस्तित्व में है, यह समीकरण अस्तित्व में है। तो क्या कीजिए, डायरेक्ट पुट कीजिए, इसलिए क्या करेंगे अब क्या कीजिएगा, अब फॉर्मूला लिखेंगे x equal to minus b plus minus under root d by क्या करते हैं हम लोग 2a, आपको मालूम है बार बार हम लोग लिख रहे हैं। अब चलिए वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी, ये फॉर्मूला का माइनस, इसलिए माइनस पहले लगा दीजिए ताकि गलती ना हो। b का वैल्यू कोजिए -3, यहां लिख दिया मैं -3, ये प्लस माइनस, d का वैल्यू हमारे पास क्या है 1, लिख रहे हैं ना, d का वैल्यू हमारे पास क्या है 1, इसको मार्क कीजिए, ध्यान दीजिए आप। अब 2 a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, यहां पर 1, तो यहां लिख दिया मैं 1। तो चलिए आगे से पढ़ते हैं, यहां पर क्या मिल रहा है आपको अंततः x इक्वल टू, देखिए यहां पर माइनस माइनस प्लस तो 3, ये प्लस माइनस, एक का वर्गमूल कितना होता है 1, आप सभी को पता ही है 2 × 1 2 × 2। अब क्या करेंगे, जब एक बार प्लस एक बार माइनस आपको मालूम है, जब x इक्वल टू 3 प्लस 1 बाय 2 दैन x इक्वल टू क्या 3 × 1 = 4, 4/2 तो क्या होगा 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो x इक्वल टू कितना मिला 2। फिर क्या करेंगे आप, एक बार माइनस लेंगे, फिर x इक्वल टू 3 − 1 बाय क्या हो जाएगा 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या 3 में से 1 माइनस किए तो क्या बचा 2 × 2, तो काट दीजिएगा 2 × 2 = 2, 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 को x में काट दीजिएगा क्या मिला 1, तो यही आपका x का वैल्यू आ गया। x का दो वैल्यू मिला ना, कौन कौन सा, यहां पर 2 एंड यहां पर 1, इसको थोड़ा ठीक से लिखिएगा, दो जैसा नहीं लिखना चाहिए, 1 है लास्ट में, इसलिए मूल बराबर आपका क्या हो गया, मूल बराबर आपके पास क्या है 2 और क्या 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। और ये इस तरह से हम लोग गणित को क्या कर लिए, फिनिश कर लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा, बस ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरह का इक्वेशन मिले, इस तरह का इक्वेशन आपको मिलता है, समीकरण ऐसा है, तो सबसे पहले कैसा लाना है इस रूप में द्विघात समीकरण में, इसका द्विघातीय सूत्र प्रयोग कीजिए और हल कर दीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, क्योंकि 3 में ना 2 क्वेश्चन था, दोनों प्रश्न का हल मैंने दिया आपको, तो चौथा प्रश्न क्या बोलता है ध्यान रखिएगा, चौथा बोलता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम का उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब ध्यान रखिए हमको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण किसके अनुसार, इस कथन के अनुसार, ये प्रश्न के अनुसार आपको निकालना है। तो यहाँ पर ना आपको ध्यान रखिए कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो क्या कर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, लेकिन उसकी वर्तमान आयु निकालना है। तो मान लेते हैं जो ज्ञात करना है उसको हम लोग क्या करते हैं हल में, कि माना कि क्या, माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर क्या हो गया x हो गया। अब क्या बोलते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व करेंगे हम लोग, 3 वर्ष पूर्व
रहमान की आयु बराबर x माइनस थ्री। पूर्व बोले, पूर्व मतलब पहले, जब भी पहले बोलेगा ना तो यहाँ पर माइनस लगाइएगा, ध्यान रखिए इस पॉइंट को, पूर्व मतलब माइनस लगाना है, तो x माइनस थ्री तीन साल पहले, तीन वर्ष पहले। अब क्या बोलता है अगला लाइन, का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम तो बाद में देखेंगे, अब से पांच वर्ष पश्चात, अब से पांच वर्ष पश्चात, इस लाइन को ध्यान रखिए, अब से पांच वर्ष पश्चात मतलब पांच साल के बाद, फिर पांच वर्ष पूर्व, पांच वर्ष पश्चात, पांच वर्ष पश्चात रहमान की आयु, पश्चात मतलब होता है बाद, मतलब x प्लस क्या हो जाएगा फाइव, पूर्व बोला पहले बोला इसलिए माइनस, बाद बोला मतलब x प्लस फाइव। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार क्या कहता है कि तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु हम लोग निकालिए, आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब थोड़ा समझिए यहां पर, x का व्युत्क्रम क्या होगा वन बाय एक्स, जैसे टू का व्युत्क्रम क्या होगा वन बाय टू, तो इसी प्रकार x माइनस थ्री का व्युत्क्रम क्या होगा वन बाय एक्स माइनस क्या हो जाएगा थ्री, ये इसका क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, मतलब उसको एक बटे कर देते हैं तो वो क्या जाता है व्युत्क्रम में आ जाता है, इसे घबराने की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा आप पढ़ चुके हैं का व्युत्क्रम, और अब से पांच वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, इसका आयु के व्युत्क्रम, किसको फोकस कर रहे हैं हम लोग व्युत्क्रम को, किसको फोकस कर रहे हैं व्युत्क्रम का क्या योग, योग कितना है एक बटे तीन है, तो ये एक बटे तीन है, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, कैसे, तीन वर्ष पहले आयु का व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा वन बाय एक्स माइनस थ्री, तीन वर्ष पहले की आयु इसकी रहमान की, योग बोला इसलिए प्लस, पांच साल बाद मतलब पश्चात क्या होगा वन बाय एक्स प्लस फाइव, क्योंकि व्युत्क्रम है इसने बटे में कर दिया, बराबर कितना एक बटे तीन, तो एक बटे तीन मैं लिख दिया। अब देख रहे हैं प्रश्न बन गया, सबसे पहले किसमें लाना है द्विघात समीकरण में, कैसे लाएंगे इसको आप एलसीएम ले लीजिए, एक्स माइनस थ्री इंटू क्या होगा एक्स प्लस फाइव, फिर इच्छा करना यहाँ से तो क्या होगा एक्स प्लस फाइव, अब यहाँ प्लस है इसलिए झंझट नहीं, जैसा है वैसा लिख दीजिएगा, वन सी इंटू कीजिएगा इसको, तो क्या होगा प्लस एक्स माइनस क्या हो गया थ्री इक्वल टू वन बाय थ्री। अब क्या कीजिए आप यहाँ पर मैं हल करने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पर ना क्या कीजिए, जो हल होगा हल कीजिए और जो नहीं होगा उसको माइनस प्लस करके या तो काट के जैसा भी करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्स और एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स आ गया, एक्स और एक्स क्या हो गया टू एक्स, फिर देखिए यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो गया, ये कौन कौन प्लस माइनस, ये फाइव और थ्री की बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस पांच में से तीन घटेगा तो क्या होगा दो, लेकिन बड़ा का चिन्ह प्लस, लेकिन पांच बड़ा है बट दो हो गया। अब यहाँ पर गुणा करेंगे ना इसको, तो इंटू आपको पता है किसको किसको, यहाँ से कर दो यहाँ से ना, फिर क्या हो जाएगा x x गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर x एंड 5 5x, फिर नेक्स्ट काम माइनस प्लस माइनस, 3 एंड x 3x, फिर माइनस प्लस माइनस, 3 5 15। यहाँ पर ध्यान रखिए ये 5 है, इसको ध्यान अच्छे से लिखिएगा, 5 है बराबर 1 बटे क्या आ गया 3। अब यहाँ पर एक स्टेप हम लोग भाग लेंगे, एक स्टेप हम लोग हल कर लेंगे, भाग लेंगे तो हल कर लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x plus 2 by, यहाँ देखिए x square मैं लिख दिया, फिर ये 5 plus minus minus 5 में से 3 घटाइएगा तो क्या होगा 5 minus 3 5 minus 3 मतलब 5 में से 3 घटाइएगा 2, तो बड़ा का चिन्ह प्लस 2x, फिर आपके पास क्या है माइनस 15 माइनस 15 इक्वल टू आपके पास फिर क्या है एक बटे तीन, एक बटे क्या मिला तीन, अब मिल गया, हालांकि द्विघात समीकरण नीचे मिला है ये भी तो है, इसको चक्रीय गुणन कर दीजिए, इसको वन से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15 इक्वल टू थ्री से कर दीजिएगा तीन दुना छः, एक्स है तो एक्स रहेगा प्लस तीन दुना छः। अगला काम इसके इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15 15 ये प्लस है तो माइनस 6x माइनस क्या हो गया 6 प्लस है इधर माइनस ना इक्वल टू 0। चलिए हम करते हैं फिर से x स्क्वायर, यहां पर आप क्या देख रहे हैं यह 2x है यह 6x, तो 6 में से आप 2 माइनस कीजिएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 4, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस इसलिए माइनस 4x हो गया।
फिर आप संख्या में आ जाते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो लेकिन साइन तो क्या लिखेंगे बड़ा का चिन्ह माइनस, पंद्रह छह कितना हो गया आपके पास, पंद्रह छह इक्कीस हो गया, इक्कीस इक्वल टू जीरो। अब ए प्योर द्विघात समीकरण में आ गया जिसको हमको हल करना है। बट यहाँ पर एक चीज बात करना चाहूंगा आप सबसे कि यहाँ पर हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न संख्या चार की हम बात करूं तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि हल करना है। तो हल करने के लिए ना आप कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि को यूज कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर किसको यूज कर सकते हैं द्विघाती सूत्र का। लेकिन मेरे समझ के अनुसार ध्यान रखिएगा, यदि ये नंबर बड़ा मिले, ये नंबर बड़ा मिले तो गुणनखंड विधि का प्रयोग कीजिए, यदि यहाँ छोटा मिले तो क्या करें करते हैं द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। बट दोनों सही, ये आप पर निर्भर करेगा कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग आप कर रहे हैं या तो गुणनखंड विधि से। लेकिन मैं सलाह दूंगा आपको कि आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करें, तो यदि आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है आप किस भी मेथड से बना सकते हैं। तो मैं इसको आपकी सुविधा के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहा हूं, यदि आपको अच्छा लगे तो गुणनखंड विधि का प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग मैं किया हूं उसको आप जरूर ट्राई करके देख लीजिएगा, और नहीं हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके मैं उसको भी दे दूंगा। तो चलिए हम लोग इसको ना द्विघाती सूत्र का प्रयोग ना करके गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, ताकि आप और आसान, छोटा और बढ़िया से बना लीजिएगा। हालांकि दोनों मेथड में आंसर क्या होता है, बराबर होता है। इस मार्क्स इस चीज को आप ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, जो यह विधि आगे जाके सभी विधि यूज में होता है, लेकिन यह विधि ज्यादा उपयोगी मेरे विचार से लगता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड विधि प्रयोग। तो गुणनखंड विधि में क्या बताया था कि पहला पद और अंतिम पद को क्या करते हैं गुणा, तो क्या हुआ यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो एक इक्कीस से क्या हो गया इक्कीस, वहां प्लस माइनस का कोई भी तुक नहीं बनता, बस संख्या को गुणा कर दिया इक्कीस एक का इक्कीस। तो रस में क्या कीजिएगा, इक्कीस का क्या लीजिए रसम एलसीएम, तो क्या होगा तीन सत्य इक्कीस। तो मैं बताया हूँ कैसे गुणनखंड का विधि से हल करते हैं, तो तीन आसान मतलब गुणनखंड निकालने के बाद ऐसा इसका मतलब इसका क्या होगा तीन टू सेवन हो गया, इसका ऐसा प्लस माइनस कीजिए कि कौन सा पद के बराबर हो बीच वाला, मतलब फोर एक्स के बराबर हो। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यदि हम लोग यहाँ सात घटा तीन करते हैं तो आपको चार मिल रहा है ना, सात घटा तीन करेंगे तो चार मिल रहे हैं, ये चार, लेकिन ये माइनस में है इसलिए इसको क्या कर दीजिए माइनस, इसको कर दीजिए प्लस, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा माइनस चार। तो इस मेथड से आप लोग इसको तोड़ सकते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ पर आप भी जानते होंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स फिर माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू जीरो। अब बस कुछ नहीं किया, इसको हम लोग तोड़ दिए, अब क्या हो गया चार है, तो दो दो का कैसे जोड़ा बना लीजिए, ऐसा ऐसा जोड़ा बना लीजिएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, जो कॉमन है निकाल देंगे, यहाँ पर x, यहाँ x, x बाहर आ गया, फिर यहाँ पर x है, एक x निकाल चुके हैं, एक बचल है, माइनस है तो माइनस, x बाहर आ चुका है तो यहाँ पर सेवन बच जाएगा। अब जो चीज रहेगा प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, यहाँ लगेगा लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए हम लोग प्लस लगाएंगे। फिर आगे देखिए यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, मतलब x माइनस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ थ्री एंड ट्वेंटी वन तीन और इक्कीस है, ये तीन से विभाज्य है इसलिए तीन कोमल ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा तीन एक तीन, एक तो नहीं लिखते हैं, एक से बच जाएगा माइनस तीन सत्य इक्कीस, माइनस क्यों प्लस माइनस माइनस, ये मैच करना चाहिए, इस पर इसको हल कीजिएगा तो ये चीज मैच करना चाहिए। और पहले भी बता चुका हूँ कि इस गुणनखंड विधि का सबसे अच्छा पहचानने का है कि ये जो ब्रैकेट को देखिए, ये दोनों ब्रैकेट वाला को ये चिन्ह के साथ बराबर होना चाहिए, यदि बराबर है तो समझ लीजिए आपका गणित सही है, आप सही पथ पर हैं, अन्यथा यदि इसका चिन्ह भी मैच नहीं करता है तो फिर आपका गणित गलत है, पहले आप देखिए आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसको आगे की ओर हल करते हैं, तो आगे क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट में है उस ब्रैकेट को एक बार लिख दीजिए, क्या होगा x माइनस सेवन फिर क्या x प्लस थ्री, क्या हो जाएगा x प्लस थ्री इक्वल टू आपके पास क्या बचता है जीरो। तो आपके पास देखा है ना दो मिल रहा है, तो पहले मैं बताया उसी प्रकार जब x माइनस सेवन इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू क्या मिला सेवन, फिर आपके पास क्या दिख रहा है कि x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या माइनस थ्री। आपको पता है किसी व्यक्ति का उम्र क्या बोलते हैं
किसी व्यक्ति का उम्र माइनस में नहीं होता है, ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु बराबर x है ना, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया x। तो इस x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x है ना रहमान की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर x बराबर क्या है 7। ये 7 देख रहे हैं ना, ये प्लस में है, इसलिए क्या बनेगा यहाँ पर 7। ये 7-7 वर्ष, यही आपका आंसर होगा, यही प्रश्न आपको पूछ रहा था। तो इस तरह से ये गणित को आप लोग हल कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको ये बोर्ड एग्जाम में साथ दे और आप अच्छे से बना ले। उम्मीद करूँ ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 5। चलो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर जाते हैं। 4 तक को मैं समझाया आपको, मैं उम्मीद करूँ कि आप 2 विधि से बनाइए, मैं गुणनफल विधि बना दिया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं उसका थोड़ा जिक्र करें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या है 30 है। तो यहाँ पर ध्यान दें, योग क्या है 30 है। यदि उसको गणित में दो अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता 10 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक छोड़ दिया हूं मैं, उनके अंकों का गुणनफल 210 होता तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब सुधर गया, तो ये जो मैं अंडरलाइन किया हूं उस पर ज्यादा ध्यान रखिए। तो दोनों अंक गणित और अंग्रेजी को छोड़कर कितना है, योग 30 है, प्लस गणित में 2 अंक ज्यादा मिलता है उसको, 2 नंबर ज्यादा मिलता और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिलता। जब गणित और अंग्रेजी का दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 210। इस लाइन को ध्यान रखिए। तो हल में क्या करेंगे हम लोग, माना कि शेफाली द्वारा, या तो शॉर्टकट में लिखेंगे, माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x, तो या तो लिख देंगे माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर क्या हो गया x, गणित प्राप्त अंक क्या हो गया x, फिर शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या होगा, गणित में यहां पर मैं छुटा है, मैं डाल दीजिएगा आप लोग। तो शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, दोनों अंकों का योग क्या है 30, तो क्या होगा 30 घटा क्या हो जाएगा आपका x, 30 घटा, क्योंकि गणित में x, तो 30 में से x को निकाल देंगे, जो बचेगा वो क्या होगा अंग्रेजी का मार्क्स होगा। तो हम लोग क्या किए, अंग्रेजी का भी कर दिए, मैथ्स का भी कर दिया और अंग्रेजी का भी कर दिए। अब क्या बोलता है अगला, यहाँ तक का काम खत्म, दोनों अंकों का योग क्या है 30 है, तो यहाँ पर दोनों का मैथ्स का भी निकाल लिए और इंग्लिश का भी निकाल लिए। अगला क्या होता है, यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल क्या होता है 210। तो इसको प्रश्नानुसार में डालिए, प्रश्नानुसार ज्यादा इजी होगा आपका। प्रश्नानुसार में आप क्या करेंगे, हाँ कि गणित में 2 अंक अधिक, दैट मींस x प्लस क्या 2, गणित में 2 अंक ज्यादा कर दिए और क्या किए अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी इसका क्या है 30 माइनस एक्स, इसमें क्या कर देंगे 3 अंक कम कर देंगे, 3 अंक हमने क्या कर दिया कम कर दिया, 3 अंक कम, इसमें गणित में 2 अंक ज्यादा और अंग्रेजी में 3 अंक कम, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी है 30 माइनस एक्स, तो 3 अंक कम कर दिए। इसका गुणनफल होता है ना गुणनफल, इसमें क्या कर देंगे ब्रैकेट डाल दिए, गुणनफल कितना होता 210 मिल गया। अब इसको हल कर दीजिए, आ गया आपका मैथमेटिक्स, तो क्या हो गया इसको कैसे एक्स प्लस 2 इंटू, आप क्या कीजिएगा कि 30 माइनस क्या हो गया 3, 30 में 3 घटा दिए तो क्या 27 माइनस एक्स इक्वल टू क्या 210 हो गया। आप इसको हल कीजिए जैसा आपको मैं बताया हूं, यहां से शुरू करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा x एंड 27 27x,
फिर आपके पास क्या है, ये प्लस माइनस माइनस एक्स एन एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ दोनों को कर रही हम लोग, तो फिर यहाँ दो से प्लस 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 सत्ताईस गुना डायरेक्ट क्या कर दीजिए आप चौवन, फिर प्लस माइनस माइनस टू एन एक्स टू एक्स। अब क्या कीजिए, इसको भी इधर ले आ सकते हैं, तो मैं क्या किया इसको इधर ले आया 210 को, तो प्लस में को माइनस 210 ओके इक्वल टू जीरो। अब हल करते हैं, क्या करें ये स्क्वायर वाला पहले चाहिए लिखा समीकरण के लिए, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखिए एक्स एक्स वाला सत्ताईस एक्स और यहाँ पर क्या है टू एक्स, एक प्लस माइनस, यहाँ प्लस ये क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस सत्ताईस में दो घटाए क्या मिला प्लस क्या पच्चीस एक्स, क्यों क्योंकि बड़ा का चिन्ह प्लस। फिर देखिए यहाँ पर चौवन है आपके पास, ये चौवन है और 210 दोनों को देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो क्या हो गया 210 में चौवन घटा दीजिएगा 54 घटा दिए 10 से 4 क्या मिला 6। यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर एक चल गया, यहाँ पर गिर एक दहे 10, 10 में 5 5, यहाँ पर एक दहे 10 चल गया, यहाँ क्या बचा एक, एक को उतार दीजिएगा 156, लेकिन बड़ी संख्या इसका साइन माइनस इससे माइनस 156 इक्वल टू जीरो। अब फिर ध्यान दीजिए इसको अरेंज करेंगे ना हम लोग, इसका साइन है माइनस, इसको हटा देंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू जीरो। अब क्या कीजिए आप, मैं पहले भी पिछला क्वेश्चन नहीं बताया, एक तो गुणनफल विधि यूज कीजिए या फिर द्विघात सूत्र यूज कीजिए, दोनों आपके लिए अच्छा है। तो हम लोग ना आपकी सुविधा के लिए मैं गुणनफल विधि का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा छोटा होता है और क्या बोलते हैं द्विघाती सूत्र में थोड़ा लंबा जाता है। तो अब क्या कीजिए, इसको पहला पद अंतिम पद को गुणा करेंगे ना ये और ये, तो 156 एक का यहां पर गुणन है ना, 156 एक का 156 156 का आप क्या निकालिए गुणनखंड और लसा के थ्रू, तो क्या हो गया आपके पास 2 × 7 = 14 2 × 8 = 16 2 × 7 = 14 1 × 6 = 16 जानते हैं आप, फिर से 2 से 2 × 6 = 6 फिर क्या हो गया 2 × 9 = 18 2 × 6 = 2 × 9 = 18 1 × 8 = 18 था, फिर 3 × 3 = 3 3 × 9 अब इतना आ गया। फिर क्या कीजिए इसको, क्या कीजिएगा 2 × 2 × 3 गुना क्या हो गया 13 तो 2 × 4 = 4 × 12 12 प्लस क्या करते हैं 13 तो क्या मिलता है 25 देख रहे हैं ना, बीच वाला पद के बराबर चाहिए हमको 25 मिल जाएगा, लेकिन माइनस में है तो क्या कीजिए यहाँ भी माइनस डाल दीजिए यहाँ भी माइनस 12 × 13 = 25 हो गया। तो आप ऐसा कीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस क्या 156 इक्वल टू जीरो। आप देख रहे हैं पहले 3 × 4 दोनों दोनों का कैसे यहाँ से ये दोनों का पेयर बना के क्या कर दिए वैनिश निकाल दिए, लेकिन पहले इसको मिटा लेते हैं तो ये समझ में आया होगा कैसे गुणनफल निकालना है। उसके बाद आप यहाँ क्या कीजिएगा कि देखिए x और x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे x यहाँ पर एक x बाहर निकाला है एक तो बचा है ना क्योंकि स्क्वायर है इसलिए x हो गया, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस डालिए, आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ x है एक x है ये कॉमन बाहर आ गया तो बचेगा क्या 12 मतलब 12, फिर मैं बोला हूँ ना यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है इसलिए हम यहाँ माइनस डाल देंगे। आप देखिए यहाँ x है यहाँ x नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं आएगा केवल क्या 13 आएगा क्योंकि 13 से डिविजिबल है पक्का, तो ये हो जाएगा 13, फिर यहाँ क्या 13 निकल गया तो क्या बचा x, फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस है लेकिन ये निर्भर करेगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या डालेंगे माइनस तो माइनस माइनस क्या प्लस ना, तो हमारा सही है तो 13 बढ़ाइए क्या हो जाएगा 156। आप पुनः करके देख लेना 13 और 12 क्या 156 आना ही आना है, तो मतलब 56 को 156 को भाग दीजिएगा तो 12 बार जाएगा ही जाएगा। आप देख रहे हैं ना इक्वल टू जीरो कर दीजिए, उसके बाद देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट वाला दोनों क्या है बराबर है, ये ब्रैकेट वाला बराबर है मतलब आपका गणित सही है इसके साथ चिन्ह के साथ साइन के साथ। अब इसको लिखिए एक बार x - 12 फिर इनटू कर दीजिए क्या x - 13 इक्वल टू जीरो। अब क्या लिखना है जब जब x - 12 इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 12, फिर क्या कीजिएगा कि x इक्वल टू x माइनस 13 इक्वल टू क्या जीरो, ये वाला तो हल हो गया ना, ये वाला हल हो गया। इसको देखेंगे x माइनस 13 इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 13। तो यहाँ पर दो स्थिति है x का मतलब गणित में प्राप्त अंक क्या है दो स्थिति आ रहा है, एक बार 12 आया एक बार 13, तो गणित का मार्क्स 12 भी हो सकता है 13 भी हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे अरेंज करके लिखेंगे।
ताकि आपको समझ में भी आए और आपको मजा भी आए, समझ में आए। लेकिन केवल ऐसा नहीं कि ये मैथमेटिक्स का हो गया और ये अंग्रेजी का हो गया, ऐसा नहीं। तो इसको ना हम लोग स्थिति एक करके लिख देते हैं, ताकि स्थिति एक या तो वन टू करके या तो जब कभी लिख सकते हैं स्थिति स्थिति एक। स्थिति एक क्या बोलता है, स्थिति एक क्या बोलता है कि जब जब से जब गणित में प्राप्त अंक, जब गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर क्या है, एक्स, एक्स बराबर आपके क्या है 12। तो अंग्रेजी में प्राप्त प्राप्त अंक बराबर क्या होगा आपका 30 माइनस एक्स बराबर 30 में क्या घटा दीजिएगा 12, तो आपको क्या मिला 18। मतलब कहने का मतलब कि गणित में प्राप्त अंक x बराबर 12 आ रहा है, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या है आपका 18। फिर स्थिति क्या आएगा, दो दोनों को करना है, ऐसा नहीं कोटियागिरी नहीं करना है आपको। स्थिति दो, अब क्योंकि x का वैल्यू 13 आया इसलिए जब गणित में प्राप्त अंक, जब गणित में प्राप्त अंक अंक बराबर x बराबर 13, तो क्या होगा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर आपके पास क्या मिलेगा, वही 30 माइनस x। दिख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पर 30 माइनस x, ये 30 माइनस x क्या है अंग्रेजी में प्राप्त अंक। तो फिर क्या कीजिएगा 30 माइनस 13 13 30 घटा 13 बराबर आपके पास क्या 17। मत कहने का तात्पर्य है यदि मैथमेटिक्स में 12 आता है तो अंग्रेजी में 18, यदि गणित में क्या मिलता है 13, तो क्या हो जाएगा ये अंग्रेजी में 17। तो ये आपका दोनों आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं और यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, ये 12, 13, 17, 18 मतलब दो स्थिति है। तो ये दोनों स्थिति को आपको डिस्क्राइब करना मतलब लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर x का मान क्या माने हैं, x x का मान गणित का मार्क्स क्या माने हैं x, तो x का दो वैल्यू निकाला इसलिए ये दो स्थिति आपको मिला। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप मैट्रिक में बोर्ड आपका एग्जाम में आने से आप आसानी से सॉल्व कर सके। उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। चलो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 6 में जाते हैं। उम्मीद करूं पांचवा क्वेश्चन समझ में आया होगा। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना है 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की क्या निकालना है, भुजाएं ज्ञात करना है। खेत की भुजाएं आयताकार खेत, आयत बराबर आयत, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, जिसके आमने सामने भुजा क्या होती है बराबर होती है, आप जानते हैं। तो चलिए हम करते हैं समझने के लिए ना सबसे पहले क्या करेंगे, एक आयताकार खेत बना देते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए। तो ये मान लीजिए आयताकार खेत है ए बी सी डी। अब क्या बोलता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, उसका क्या विकर्ण, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा तो यही बोला ना जी, और आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा होता है, आमने सामने की भुजा बराबर आयत का। तो छोटी भुजा से 60 मीटर छोटी उसका विकर्ण ना, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, कौन विकर्ण, ये विकर्ण। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां एक विकर्ण खींच देंगे, विकर्ण खींच दिए, तो मान लीजिए छोटी भुजा x, तो विकर्ण क्या हो गया x प्लस 60, 60 मीटर अधिक है। और अगला लाइन क्या बोलता है, यदि बड़ी भुजा मतलब ये वाला, या तो ये वाला दोनों बराबर है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, छोटी भुजा ये वाला 30 मीटर पे, x प्लस क्या हो गया 30 मीटर क्या हो गया अधिक हो, तो खेत की क्या निकालें, भुजाएं ज्ञात करना है। तो आपको मिल गया छोटी भुजा बड़ी भुजा और विकर्ण। तो इसमें एक चीज देखना कि यहाँ पर तो क्या होता है, समकोण आयत का हमें सामने की भुजा बराबर और एक कोण समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसी के आधार पर हम लोग को हल मिल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, माना कि
माना कि खेत, आयताकार खेत या खेत लिखेगा चलेगा, खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा बराबर क्या हो जाएगा x, तो खेत की बड़ी भुजा, खेत की बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 और खेत का विकर्ण, खेत का विकर्ण, खेत का विकर्ण बराबर कितना हो रहा है आपका x प्लस 60। ये सब सब मिल गया। अब क्या करेंगे, अब क्या कीजिएगा, त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, अब त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में आपको क्या दिखता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दें यहां पर कि कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग हम लोग निकालते हैं, कर्ण का वर्ग मतलब यहां कर्ण क्या हो गया बीडी, तो क्या होगा बीडी का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा बीसी, बीसी का वर्ग प्लस क्या बीसी का वर्ग, बीसी का वर्ग हम लोग लगा दिए। अब ये हो गया, हेल्पफुल करते हैं, बीडी बराबर आपके पास क्या है, बीडी बराबर x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल टू बीसी, बीसी आपका क्या है x का स्क्वायर प्लस डीसी आपका क्या है x प्लस 30, x प्लस 30 का क्या होल स्क्वायर, ये मिल गया आपको। इतना मिलने के बाद आप देख रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर इसमें तोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, नहीं आएगा उसके बाद और अगला प्रोसेस जाना पड़ेगा। x प्लस यहाँ पर आपका x प्लस 60 यहाँ पर हो गया ये a, ये हो गया आपका क्या b, यहाँ भी ये आपका a का काम करेगा, ये किसका काम करेगा b का, तो a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जो आप लोग 7 क्लास से 6 क्लास से पढ़ते आए हो। तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2a, a के स्थान पर x, 2ab b के स्थान पर 7, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब किसका 60 का स्क्वायर डाल दिया इक्वल टू यहां x है तो x का स्क्वायर डाल दिया मैं, फिर यहां प्लस है कोई झंझट नहीं प्लस लिख देंगे, फिर यहां देखिए a प्लस b का स्क्वायर a के स्थान पर x, a स्क्वायर प्लस 2a a के स्थान पर x into b, b के स्थान पर क्या है 30 देख रहे हैं b, फिर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, फिर आगे क्या पढ़ते हैं एक बार हल कर लेते हैं, या तो इसको काट दीजिए ये x स्क्वायर हो गया, ये प्लस प्लस कर जाएगा तो 60 गुना क्या हो गया 120x प्लस 6 6 36, इसको हल कीजिएगा इसको इसको 6 6 क्या हो गया स्क्वायर 60 गुना 60 6 6 36 और दो जीरो डाल दीजिए आप बराबर यहां पर क्या होगा x का स्क्वायर, फिर यहां पर 30 गुना क्या हो गया 60 प्लस 60 प्लस क्या हो गया 30 दिया 3 दिया 30 दिया 90 होता है लेकिन 30 गुना 30 होगा यहाँ पर 30 दिया 90 नहीं होगा 30 गुना 30 मत कैसे 30 गुना 30 तो क्या होगा 3 दिया 9 फिर 2 जीरो लगाएंगे ना तो 3 दिया 9 फिर 2 जीरो क्या कर दिया लगा दी लेकिन यहाँ पर मेरा x छूट गया है 30 गुना 60 तो यहाँ पर 60x लिखना है x को नहीं छोड़ना है नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा तो चलिए फिर आगे के बढ़ते हैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ उसके बाद हम लोग अगला सॉल्व करते हैं अब क्या कीजिए x को चाहिए थी इसको उधर ले जाइए इधर जीरो डाल देंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 अब ये प्लस उधर जाके माइनस 120x फिर ये प्लस उधर जाके माइनस 36 00 इक्वल टू क्या जीरो इधर जीरो है तो उधर हम लगा दिए कोई फर्क नहीं पड़ता अब इसको हल कीजिए x स्क्वायर प्लस x x वाला है ना यहाँ पर देखिए 60x और 120x तो 60 में से 60 घटाइए तो क्या मिलेगा 60 लेकिन यहाँ बड़ा का चिन्ह माइनस तो यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस हो जाएगा कितना 60x फिर आप देखिए कौन 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 सा ये 900 और क्या 3600 घटाओ 900 36 में से 9 घटाइएगा 7 36 में इस 36 में से ये 36 में 9 घटाइए कितना होगा 27 तो क्या होगा बड़ा का चिन्ह माइनस तो माइनस क्या हो गया 2700 इक्वल टू क्या जीरो आपको डाउट रहता है तो आप रफ में कर लीजिएगा 3600 घटा 900 2700 ही आपको क्या करेगा मिलेगा तो ये 2700 मिल गया अब क्या कीजिए मैं बोला हूं ना हम लोग गुणनखंड विधि यूज कर रहे हैं आप कोई विधि यूज करना
इसमें आपको सरल होगा, ये इसको और इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा 2700 × 2700। तो रफ में हम लोग इसको करते हैं, 2700 का हम लोग क्या करें गुणनफल निकालते हैं, तो 5 से भाग देंगे, 5 × 5 = 25, 26 × 27 5 × 20 0। क्या मैं बोला यहाँ पर क्या मिला 5 × 5 = 25, 26 × 2 = 20, 5 × 20 0, फिर 5 से जाएगा 5 × 5 = 5 0, 5 × 5 = 40, फिर आपका कितना 2 × 2 = 10, 2 × 2 = 8, फिर 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, फिर 3 × 9 = 27, फिर 3 × 3 = 9। तो आप ना इसको कर सकते हैं आप अपने अनुसार। यहाँ पर हम लोग को क्या लाना है 60, तो 60 लाना है तो कैसे लाएंगे, तो हम लोग ना 60 है तो 10 का बनाते हैं, 5 × 10, यहाँ देखिएगा 5 × 10 10 × 30 30 × 3 क्या हो गया 90, ये तीनों का कर दिए 30 × 3 = 90, मतलब आपके पास 5 × 5 × 2 × 2 × 3 × 3 क्या है 3। तो मैं क्या बोला आपका कि ये 5 एक बार ये 5 ले लीजिए, या तो सेकंड वाला 5 वहां दिए, ये 5 ले लिए, ये दोनों 5 × 10 हो गया, 10 × 30 10 × 30 = 30, ये दोनों को 30 और इसको ले लिए हो गया ना क्या 90 मिल गया हमको, कैसे 5 × 10 10 × 30 30 × 90 90 घटा, अब क्या मिल रहा है आपके पास, यहाँ देखिए यहाँ पर ये 5 × 10 10 × 30 देखिए मैं कर दिया ना 30, 90 घटा 30 तो आपके पास कितना मिला 60, यही 60 चाहिए, लेकिन क्या माइनस इसको दे दीजिए माइनस इसको दे दीजिए प्लस, वैसे ही करते हैं x² - क्या 90x, x तो रहेगा साथ में, प्लस 30x − 27 = 0। अब क्या हुआ आप पिछला मैथ जैसे डबल डबल देख लीजिए, जो क्या बोलते हैं गुणन ओवेनिस्ट होता है ओवेनिस्ट निकालेंगे, यहाँ x यहाँ x, x बाहर निकाल दिया, यहाँ पर क्या एक x बच गया ना, तो यहाँ माइनस का क्या डाल दिया माइनस, x बाहर आ चुका है तो आपके पास क्या मिला 90, प्लस है तो प्लस, पहले ही बता चुका हूँ प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ x है यहाँ x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं आएगा तो ओवेनिस्ट नहीं होगा, तो क्या निकालेंगे 30 30 निकाल दिए तो x बच गया यहाँ पर, 30 तो बाहर आ गया माइनस, आप 30 × 3 = 27 होता है ना, यहाँ पर क्या 90 = 0, क्यों प्लस माइनस माइनस सही है। तो आप देखिए आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर ये वाला क्या है बराबर है, मतलब हमारा गणित सही है, इसलिए क्या x − 90 फिर क्या बचा है x + 30 आपको मिल रहा है गुणनखंड, तो इसके आधार पर हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे आप ध्यान रखिए आपको पता है उसी प्रकार हम काम करेंगे, जब x − 90 = 0 then x will how much 90 माइनस हो जाके प्लस, फिर यहाँ क्या कर दीजिएगा फिर x + 30 = 0 then x = क्या हो गया −30। आप ध्यान रखें कि आपको पता ही होगा कि किसी भी खेत की लंबाई माइनस में तो नहीं होता है ना, किसी भी खेत की लंबाई माइनस, इसको मिटा दे रहा हूँ, तो आगे की बात करते हैं कि किसी भी खेत की लंबाई क्या माइनस में नहीं होता है, इसलिए ये हमारा क्या कथन सही नहीं है, मतलब वो भुजा नहीं होती है, तो उसको मैं आप मेंशन भी कर सकते हो, नहीं भी मेंशन करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि खेत की भुजा की लंबाई लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए खेत की छोटी भुजा की लंबाई बराबर, छोटी भुजा की लंबाई बराबर क्या है x बराबर कितना लाए हम लोग x, तो यही x के बराबर हम लोग कितना लाए 90, तो क्या हो गया 90, या तो आप लोग ना थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, तो x बराबर क्या है छोटी भुजा की लंबाई बराबर क्या x, तो x बराबर कितना मीटर 90 मीटर आ गया, और खेत की बड़ी भुजा की लंबाई बराबर क्या है आपके पास x + 30 ना,
बड़ी भुजा की लंबाई आप देख रहे हैं यहाँ पर x plus 30, उसको भी x plus 30 लिखती है, तो x का वैल्यू हम लोग भर देंगे कितना 90 प्लस या 30, 90 एंड 30 क्या हो गया 120 मीटर। यही आपका यहाँ पर क्या होगा आंसर। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर बड़ी छोटी भुजा की लंबाई क्या हो गया यहाँ पर 90 और बड़ी भुजा की लंबाई 120 मीटर हो गया, जो हम लोग यहाँ पर निकाले ना ये वाला ये हमको प्राप्त हुआ, तो ये हमारा आंसर हुआ। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 10 क्लास का, इसलिए ये क्या बोलते हैं सिलेक्टेड मत पढ़िए 10 क्लास में आप सबको पढ़िए, ताकि आने वाले क्लास में भी आपको दिक्कत ना हो और आपका बेस स्ट्रांग रहे और मैट्रिक का रिजल्ट भी आपका बढ़िया हो। चलिए तब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है ध्यान से देखिएगा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है 180 है। वर्गों का अंतर कितना 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या मान ली एक संख्या x, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या, दोनों का दो संख्या निकालेंगे उसको वर्ग लगा देंगे, इस पे लगा देंगे उसका घटा कर देंगे, और उसके बाद छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना। ये लाइन आपका बहुत जरूरी है, ये लाइन पर ही मैथमेटिक्स है। तो मान लेते हैं छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है, तो क्या करेंगे हल में यहां पर हम लोग, माना कि बड़ी भुजा बराबर क्या हो गया x, बड़ी भुजा क्या हो गया x, और छोटी भुजा क्या होगा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी भुजा का 8 गुना है, तो क्या निकालेंगे कि छोटी संख्या का वर्ग क्या है, ध्यान रखें क्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है, इस लाइन को बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या क्या है x, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है 8 गुना मतलब 8x, बड़ी संख्या हमारा क्या है बड़ी संख्या x, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है 8 गुना है मतलब 8 × x क्या होगा 8x हो गया हमारा, तो ये बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग तो ऑटोमेटिक पता चल गया 8x, लेकिन बड़ी संख्या का तो ये बड़ी संख्या हम यहां गलत लिखे हैं, बड़ी क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा, बड़ी संख्या भुजा नहीं, तो बड़ी संख्या x है, तो क्या बोलते हैं छोटी संख्या का वर्ग 8x, तो बड़ी संख्या का भी तो वर्ग चाहिए ना, तो बड़ी संख्या का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा हमको x स्क्वायर, ये x है इसको x स्क्वायर वर्गमूल स्क्वायर, लेकिन छोटी संख्या का वर्ग क्या है 8x। अब क्या कहता है प्रश्नानुसार, ध्यान रखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 180, तो बड़ी संख्या क्या होगी ये, तो x स्क्वायर माइनस क्या 8x, बड़ी संख्या से ना छोटी संख्या घटाते हैं, बड़ी संख्या का वर्ग x स्क्वायर छोटी संख्या का वर्ग 8x बराबर कितना 180। अब इसको इधर ले आइए x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, आपका द्विघात समीकरण में आ गया, गुणनफल विधि से क्या कर दीजिए तो हल कर दीजिए, ये a ये b ये c a b c, तो a b c, तो यहाँ पर गुणनखंड भी यूज करेंगे तो ABC का जरूरत नहीं पड़ेगा, द्विघाती सूत्र से जरूरत पड़ेगा, d निकालना पड़ता है आपको मालूम है, लेकिन सुविधा के लिए मैंने क्या बोला गुणनखंड विधि बताया बनाइए, क्योंकि वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, दोनों का आंसर बराबर ही आता है, आप ट्राई मारना दोनों मेथड से हल कीजिएगा, ठीक है कोशिश कीजिए कि आप दोनों मेथड से हल कीजिए। तो आते हैं इसका पहला पद अंतिम पद को गुणा कीजिए 180 को, तो कितना मिला 180, इसका क्या करेंगे 2 से या तो 5 से भी दे सकते हैं हम लोग, तो क्या कीजिएगा 2 से 2 9 18 0 फिर 2 चौके 8, 2 चौके क्या हो गया 8, 2 5 10, फिर 3 से जाएगा 3 × 3 = 15, फिर 3 × 5 = 15, अब क्या कीजिए हमको कितना चाहिए 8 चाहिए है ना, तो क्या कीजिए ये 2 और 5 क्या हो गया 10,
5 दुना क्या हो गया 10 और 3 3 3 9 9 दुना 18 ये 5 दुना क्या हो गया यहां पर 10 और ये टोटल को ले लीजिएगा तो क्या मिल रहा है 18 मिल रहा है ना 3 3 9 9 दुना 18 यदि आप इस पर थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा तो 2 गुना 3 गुना क्या मिल रहा है आपको 5 तो 3 गुना 3 गुना 5 तो आपके पास क्या हो गया यहां पर ये ले लीजिए 2 क्या कीजिए ये 2 2 गुना क्या कर दिए 2 2 बचे 10 या तो 2 3 6 6 3 18 हो गया ये 18 हो गया फिर माइनस आपका क्या बचा है 2 बचे 10 ये रिलेटेड होगा आपको देखिए ना ये इसको जोड़ा गया 5 गुना क्या हो गया 10 आप क्या 18 में 10 मिलाइए तो क्या 8 मिल रहा है ना तो इसको मतलब ये 8 को हम इस रूप में क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं तो -8x है तो यहां पर माइनस डाल दीजिए यहां पर क्या है प्लस तो क्या हो जाएगा उसी प्रकार x2 माइनस क्या कीजिए यहां पर 18x क्या कीजिए प्लस क्या 10x माइनस 110 इक्वल टू 0 अब फिर दो दो का जोड़ा आपको मालूम है जैसे हम लोग किए हैं इसको जोड़ा लगा लेंगे अब कॉमन में क्या होगा यहां x x बाहर x हो गया फिर माइनस है तो माइनस 1x तो बचेगा ना x2 और x बाहर आ गया 18 बच गया आपका फिर प्लस है तो प्लस यहां तो 10 निकलेगा x बच जाएगा यहां पर माइनस यहां पर कितना बच जाएगा 18 क्या 18 देंगे 180 18 होगा इक्वल टू 0 मैं बार-बार बोल रहा हूं ये ब्रैकेट क्या होना चाहिए बराबर तो x-18 क्या है सही है तो चलिए हम लोग क्या करते हैं प्रश्न मिटा देते हैं ताकि आपको जगह भी मिल जाए तो आप कैसे हम करेंगे यहां पर ब्रैकेट वाला एक बार लिखते हैं ना x-18 फिर इनटू x+10 क्या हो गया x+10 10 इक्वल टू 0 यहां लिखेंगे जब x-18 = 0 then x = 18 फिर क्या कीजिएगा यहां पर कि x+10 = 0 तो फिर क्या होगा x = -10 यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर ना एक माइनस में आया प्लस में संख्या तो कोई भी हो सकता है यहां पर x का वैल्यू क्या है एक बार 18 आए एक बार -10 आए तो दोनों दो स्थिति बन रहे हैं यहां भी यहां पर स्थिति यहां क्या हो रहा है दो तो यहां पर स्थिति एक और दो दोनों में देखते हैं तो क्या मिलता है स्थिति एक ध्यान दोनों को देखिएगा स्थिति एक में आपको क्या मिलेगा कि बड़ी संख्या क्या बोलते हैं बड़ी संख्या बराबर क्या बोलते हैं बड़ी संख्या बराबर क्या है x बराबर आपके पास क्या मिला बड़ी संख्या बराबर x बराबर क्या 18 है ना तो छोटी संख्या बराबर क्या होगा आपका यहां पर छोटी संख्या का वर्ग बराबर आपके पास क्या है 8x मतलब 8 गुना क्या 8 गुना आपके पास क्या होगा 18 तो इसको 18 8 144 होता है या तो 8 8 64 8 8 9 10 11 12 13 14 आप 18 का गुणा जानते हैं तो 18 8 144 कर दीजिए या तो क्या कर दीजिए आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट 8 से गुणा कीजिए 144 मिलेगा लेकिन ये क्या है छोटी संख्या का वर्ग है इसलिए छोटी संख्या क्या मिलेगा इसलिए छोटी संख्या बराबर आपका क्या मिलेगा छोटी संख्या बराबर 144 का वर्ग तो यह वर्ग उधर जाएगा तो इसका रूट अंदर हो जाएगा ना अंडर रूट तो क्या होगा 12 ये प्लस माइनस में आएगा ना ये बड़ी संख्या क्या होगा प्लस ये प्लस माइनस में आएगा तो स्थिति एक ये कहता है तो ये यदि स्थिति दो की हम बात करें स्थिति दो की बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहां पर स्थिति दो में कि बड़ी संख्या बराबर क्या -10 बड़ी संख्या बराबर x बराबर तो -10 या तो इसको x बराबर क्या होगा -10 तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या होगा 8x बराबर इसको हल कीजिएगा तो 8 गुना -10 हुआ आपके पास
तो 8 दहिया क्या हो गया 80 माइनस 80। तो ध्यान दीजिए कि किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है ऋणात्मक हो नहीं होता है ना, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए बड़ी संख्या बराबर x बराबर आपका कितना हो गया, बड़ी संख्या बराबर x बराबर क्या 18 और छोटी संख्या बराबर क्या आपका प्लस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या 12, ये आपका आंसर होगा। ये दोनों स्थिति को ना समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर x का दो वैल्यू आया, संख्या तो बड़ी संख्या भी माइनस 10 हो सकता है, छोटी संख्या फिर माइनस छोटा हो सकता है, 10 से पीछे जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो आपका आता है ये वाला पर थोड़ा गौर करना है, इसलिए स्थिति दोनों में लिख दिया और एक पॉइंट को क्लियर किया ताकि आपको सुविधा हो। यदि आपको कभी हड़बड़ी रहता है तो आप इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि चलेगा बट यदि कर देंगे तो अच्छा होगा, चलेगा वाला में थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ा जाता है, इसलिए अच्छा करना है। इसलिए बड़ी संख्या बराबर एक इतना और छोटी संख्या का वर्ग 8x है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका वर्ग 8x है, इसलिए 8 गुना 18 बराबर 144 का यदि आप लोग रूट अंडर रूट करेंगे 144 आपको करें होगा ना, 144 का अंडर रूट करेंगे तो क्या प्लस माइनस 12 आएगा जी, तो यही 12 को लिखा हूँ क्यों, क्योंकि वर्ग है तो स्क्वायर है ना, ये साइड में बायां पक्ष स्क्वायर है तो इस पर जाके वहां रूट अंडर लग जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट इसको थोड़ा शॉर्ट में छोटी संख्या पर क्या प्लस माइनस मैं क्या लिख दिया 12 लिख दिया। तो ये इसको घबराइएगा नहीं कैसे आया, तो उसके बड़ी संख्या 10 माइनस 10 हो सकता है, लेकिन छोटी संख्या का वर्ग जब निकालते हैं तो ये जो क्या बोलते हैं क्या देता है माइनस 80 देता है, ये माइनस 80 थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हम जानते हैं किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि देख रहे हैं ना माइनस माइनस करते हैं तो प्लस होता है, तो ये हमारा क्या होगा गलत हो जाएगा, इसलिए बड़ी संख्या x बराबर 18 और छोटी संख्या बराबर प्लस माइनस 12 ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करूं ये गणित आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा कष्ट यहाँ पर है उसको ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए मैं यहीं पर पढ़ाता हूँ, ध्यान रखिएगा और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ध्यान तो मेरा वीडियो को जरूर क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप नए हैं तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें ताकि लॉकडाउन की स्थिति में बच्चे अधिक से अधिक मात्रा में पढ़ सके। जय हिंद।